भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों में उन्होंने बैन लगाया। जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन, मैं हूं आकांक्षा। भारत में पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लग गया है। वहीं पीएफआई पर रोक लगाए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का जहां बीजेपी स्वागत कर रही है, वहीं सत्ताधारी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा है कि पहले भारत सरकार यह बताए कि पीएफआई पर बैन लगाने का आधार क्या है, कौन सा ऐसा सबूत मिल गया है जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद ही वे किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। बात है, घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। तो इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को यह एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है, तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सके। जेडीयू अभी इस पर कुछ भी नहीं करेगी, कोई स्वागत नहीं होगा इस फैसले का और इस तरह से जो कदम उठाया गया। ये आपके कहने से हम नहीं ना, आपको तो जो बात हम बता रहे हैं उतना जानिए। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक आपके मुताबिक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना। भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों में उन्होंने बैन लगाया है, और बैन लगाया है अगर हम लोग जानेंगे तो साक्ष्य के आधार पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी के नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो अभी जो विधानसभा में कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री को आए थे, उसमें कुछ गड़बड़ी कर... एक मोदी है ही तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है, ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? भाई आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना कि ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, सुशील मोदी तो बोले ही थे, वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं। इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या, तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, तो इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफ़ी दिनों से बेरोजगार थे, काफ़ी दिनों से तिरस्कृत थे, अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि उनको कुछ मिल जाए। बता दें कि कई राज्यों ने पहले ही ये मांग की थी कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। पिछले दिनों पीएफआई के ठिकानों पर 2 बार जांच एजेंसियों की रेड चली थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा 8 और ऐसे सहयोगी संगठन हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी कि AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पीएफआई पर 22 सितंबर और 27 सितंबर को भी छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पहली बार 106 पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और पीएफआई को बैन कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।